सो वेलकम टू दी क्लास। आज स्टार्ट करेंगे साउंड चैप्टर को। साउंड क्या है, पार्टिकल है या एनर्जी? देखो साउंड पार्टिकल होता तो मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इतना डिस्टेंस तो नहीं जा सकता ना। सो साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट इज ए एनर्जी सो दैट इट कैन ट्रैवल्स, ओके, एंड इट नीड्स ए मटेरियल मीडियम, ओके, सो इट इज कॉल्ड मैकेनिकल वेव। जैसे कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और एक है मैकेनिकल वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसफर करने के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, वैक्यूम में भी ट्रांसफर कर सकता है, जैसे कि लाइट है ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन जो हमारा मैकेनिकल वेव है, मैकेनिकल वेव ट्रांसफर करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, जैसे कि साउंड। ये सुनो, तो साउंड ट्रांसफर करने के लिए मीडियम चाहिए, उसका एक्टिविटी भी है। तो एक्टिविटी में बेल्जर एक्सपेरिमेंट किए हैं, बेल्जर एक्सपेरिमेंट में वहाँ से गैस अगर वैक्यूम में एक्सट्रैक्ट कर देते हैं तो साउंड सुनाई नहीं देगा। इफ़ देयर इज एयर देन वी कैन हियर द साउंड, दैट मीन्स वी कैन फाउंड दैट देयर इज नीड ऑफ द मीडियम टू ट्रैवल द साउंड, मतलब साउंड ट्रैवल करने के लिए मीडियम चाहिए। ये सर, तो साउंड इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये सर, एंड बिकॉज ऑफ विच ईयर्स आर एबल टू हियर समथिंग। एंड अगर वन कैन नॉट क्रिएट साउंड डिस्ट्रॉय इट, ओके, कोई क्रिएट नहीं कर सकता है, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, बिकॉज इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म। वी नो दैट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हमें पता है, इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ओके, वन। सो व्हेन ए सेल फोन रिंग, साउंड इज प्रोड्यूस बाय कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या होता है, साउंड एनर्जी को कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो साउंड जो है कैसे प्रोडक्शन होता है, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस। साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, जो भी वाइब्रेशन, मेन कॉज ऑफ साउंड प्रोडक्शन इज वाइब्रेशन, जो भी वाइब्रेशन होता है साउंड प्रोडक्शन होता है। मैं जैसे कि बात कर रहा हूँ, ये सर नो, देयर इज सम लैरिंग्स इज देयर, साउंड बॉक्स देयर, इट इज वाइब्रेटिंग सो दैट साउंड इज बींग प्रोड्यूस्ड, ये सर नो। एंड इट इज मूविंग टू टू एंड फ्रो मोशन, ओके, वाइब्रेशन हो रहा है, ठीक है। जैसे कि हम बोलते हैं, हम ट्यूनिंग फोर्क को क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, ट्यूनिंग फोर्क क्या कर रहे हैं, स्ट्राइक कर रहे हैं, ओके, और स्ट्रेच रबर में स्ट्राइक किए, इट वाइब्रेट हुआ, देन साउंड प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। सो ह्यूमन वॉइस जो है, ओके, ये प्रोड्यूस हो रहा है बिकॉज द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड। मैं जो बात कर रहा हूँ वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड, जैसे कि स्ट्रिंगड इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, और स्ट्रिंग वाइब्रेट हो रहा है, इसलिए स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। बार्ड क्या कर रहा है, बार्ड फ्लैप कर रहा है इट्स विंग्स, साउंड प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। फ्लूट में क्या हो रहा है, फ्लूट प्रोड्यूसेस ऑल्सो साउंड, कैसे, बिकॉज द फ्लूट में जो एयर कॉलम है, ठीक है, हर वक्त याद रखना, इट इज द मूवमेंट ऑफ द एयर कॉलम, ओके, फ्लूट वाइब्रेट्स एज एयर पासेस थ्रू इट, एयर पास हो रहा है एंड एयर कॉलम मूव्स, एंड एयर कॉलम्स मूव हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, क्लियर। सो दैट इज द ड्यू टू दिस मूवमेंट, इज इट क्लियर, ओके। देन साउंड प्रोडक्शन हो गया, हाउ साउंड ट्रैवल, साउंड कैसे ट्रैवल होगा, ओके। साउंड ट्रैवल के लिए देखिए, साउंड ट्रैवल के कोई भी मीडियम चाहिए, मैं बोल दिया था इट इज ए मैकेनिकल वेव, एंड मैकेनिकल वेव मतलब मैकेनिकल वेव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रैवल के लिए एक मीडियम चाहिए। सो साउंड एक मैकेनिकल वेव है, वो भी ट्रांसफर करने के लिए एक मीडियम चाहिए, ठीक है। वो मीडियम सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, ठीक है। तो साउंड जो एक मीडियम में प्रोपागेट करता है, ठीक है, मीडियम क्या होता है, वाइब्रेट होता है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट से वाइब्रेट होता है, ठीक है। दैट मीन्स साउंड ऑलवेज इज ए स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, जहाँ से स्टार्ट हुआ फिर एंड हुआ, ये सुनो। जैसे कि हम बात कर रहे हैं, फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं, ठीक है, सो हम जो भी बात स्टार्ट किए, हमारा पास का जो एयर है डिस्प्लेस हुआ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं, और ड्यू टू द प्रेशर कॉज्ड बाय द साउंड, हम जो साउंड रिलीज कर रहे हैं, ठीक है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट में वाइब्रेट हुआ एंड एंडिंग पॉइंट में पहुंचता है, ठीक है। एंड जो हम प्रोड्यूस किए साउंड, ठीक है, प्रेशर चेंजेस हुआ, ओके, प्रोड्यूस, ये जो
सो द जैसे कि देन द डिस्प्लेस द एडजेसेंट पार्टिकल पार्टिकल एडजेसेंट पार्टिकल को क्या क्या डिस्प्लेस किया. ओके स्लोली इट मूव्स अवे सो साउंड ट्रेवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. फ्रेंड्स यार मैं एक एग्जांपल देके बोल रहा हूँ. सोच लीजिए कि हम क्या है साइकिल स्टैंड है. साइकिल स्टैंड में बहुत सारा साइकिल है एक लाइन में है. हम कैसे हुआ एक साइकिल को गिरा देंगे क्या होगा एक के बाद एक किया एक के बाद साइकिल टोटली गिर जाएगा. मतलब वो जो फास्ट वाला साइकिल गिरा वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है वहाँ से. दैट साइकिल दैट पार्टिकल इज नॉट मूविंग. वो पार्टिकल रेस्ट है लेकिन जो एनर्जी ट्रांसफर हुआ मतलब कैसे एनर्जी एक साइकिल को दूसरी साइकिल ऐसे ट्रांसफर होता है. दैट मीन्स लाइक दिस एनर्जी इज बींग ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल. एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल को क्या होता है ट्रांसफर होता है. ओके एक पार्टिकल को दूसरा पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफर होता है लेकिन पार्टिकल का ट्रांसफर नहीं होता है. ओनली एनर्जी इज बींग ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल. दैट्स इट. ओके सो वी कैन से दैट द पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम डू नॉट ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन ऑर्डर टू प्रोपागेट साउंड. ओके एंड द डिस्टर्बेंस दैट इज द एनर्जी बिकॉज द डिस्टर्बेंस कॉज बाय साउंड ऑफ द मीडियम. ओके एंड साउंड इज वेव. साउंड इज ए वेव. तो साउंड वेव क्या है. सो वेव इज ए डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन ए मीडियम इज द पार्टिकल ऑफ द मीडियम वाइब्रेट. पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो वाइब्रेट होता है एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है. सो इन फॉर्म ऑफ वेव इट मूव होता है जैसे कि हम देखते हैं वेव ये सुनो. सो द पार्टिकल जो प्रोड्यूस मोशन इन ईच अदर विदाउट मूविंग फॉरवर्ड बैकवर्ड. ओके पार्टिकल्स क्या कर रहा है मोशन हो रहा है प्रोड्यूस मोशन इन ईच अदर मूविंग फॉरवर्ड बैकवर्ड नहीं होता. ओनली दे आर एट द सेम पोजिशन ओनली दे आर मूविंग वाइब्रेटिंग. दे आर पार्टिकल इज नॉट मूविंग. क्लियर. सो दिस लीड टू प्रोपागेशन ऑफ साउंड. सो साउंड इज ए वेव. ओके एयर में जो भी कैसे ट्रांसफर होता है एयर में जो साउंड ट्रांसफर होता है कैसे होता है देखते हैं. ठीक है व्हेन एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हो रहा है एयर में. ओके साउंड प्रोडक्शन हो रहा है. सो वहाँ पर क्या हो रहा है एक रीजन में हो रहा है हाई प्रेशर क्रिएटेड इन फ्रंट ऑफ इट. सो देयर इज द रीजन ऑफ कंप्रेशन. जैसे कि वेव में देखो जैसे कि हम वेव में जैसे कि ट्रांसवर्स वेव है लॉन्गिट्यूडिनल वेव है ट्रांसफर वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव ट्रांसफर वेव जैसे देखते हैं क्रेस्ट्रो मूव होता है. ये सुनो देखिए पहले मैं बोलते रहा हूँ क्या ट्रांसफर वेव है क्या लॉन्गिट्यूडिनल वेव. ट्रांसफर वेव मतलब जैसे कि वेव ही ने सी हम देखें समुद्र में जैसे वेव आता है ऐसे मूव होता है. ओके दैट मीन्स वेव एक डिरेक्शन में जा रहा है और जो पार्टिकल ऐसे मूव हो रहा है उनके बीच में एक 90 डिग्री एंगल है दैट इज कॉल्ड द ट्रांसफर वेव. लॉन्गिट्यूडिनल वेव क्या है जो डिरेक्शन में जा रहा है वेव उसी डिरेक्शन में अगर मूव हो रहा है देन इट इज कॉल्ड दी दैट मीन्स पैरेलली देन इट इज कॉल्ड दी लॉन्गिट्यूडिनल वेव. ठीक है. सो जैसे कि हम ट्रांसफर वेव में क्रेस्ट एंड ट्रॉफ है क्रेस्ट एंड ट्रॉफ है इसी तरह सेम टू सेम देयर आर सम कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन है. ठीक है. देयर इज द रीजन ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन. ओके इन केस ऑफ दिस केस दैट इज इन द लॉन्गिट्यूडिनल वेव. ओके जैसे कि ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हो रहा है जब रीजन ऑफ कंप्रेशन फॉरवर्ड होता है मीडियम में पार्टिकल्स एग्जर्ट कर रहा है प्रेशर ऑन द एडजेसेंट पार्टिकल के ऊपर क्या कर रहा है प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है. ठीक है. सो ऑल्टरनेट रीजन ऑफ कंप्रेशन जैसे होता है उसी तरह रीजन ऑफ लो प्रेशर जो है ओके दैट आर इन फ्रंट ऑफ दैट आर कॉल्ड रीजन ऑफ रेयरफैक्शन. क्लियर. सो जैसे ऑब्जेक्ट मूव फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड कंसेक्यूटिवली साउंड प्रोडक्शन करा है उसी तरह की सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन क्रिएट होता है. ओके इसके लिए क्या होता है साउंड मूव थ्रू द एयर एंड एनी अदर मीडियम इज विल कंप्रेशन रेयरफैक्शन क्रिएट होता है. ओके एंड अलाउ करता है साउंड को मूव थ्रू एयर. ओके एनी अदर मीडियम में जैसे जाता है. ओके मीडियम अगर डेंस है
If the medium is dense and pressure exerted on the particles will be more in order to propagate the sound. अगर मीडियम डेंस है, ओके, अगर मीडियम डेंस है, द प्रेशर एग्जर्टेड इन द पार्टिकल्स विल बी मोर, ओके, मीडियम डेंस होने से प्रेशर क्या होगा, मोर होगा, साउंड प्रोपागेट होने से, एंड वाइस वर्सा, क्लियर? उसी तरह वी कैन से दैट प्रोपागेशन ऑफ साउंड इज ऑल अबाउट द चेंज इन प्रेशर इन द मीडियम, ओके, प्रोपागेशन कैसे हो रहा है, मतलब साउंड जो मूव हो रहा है कैसे हो रहा है, मतलब प्रेशर हो रहा है, मीडियम में प्रेशर हो रहा है चेंज, उसी टाइप का हो रहा है, ठीक है? और जैसे कि मैंने बोला था कि एक मैकेनिकल वेव होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल वेव में फिर हम उसको हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव में डिवाइड करते हैं, ओके, लॉन्गिट्यूडिनल वेव एंड ट्रांसवर्स वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसे कि ट्रांसवर्स वेव में रहता है लाइट वेव, एक्सरे, आईआर, इंफ्रारेड है, अल्ट्रा वायलेट है। ट्रांसवर्स वेव में वाटर रिपिल से, लॉन्गिट्यूडिनल में साउंड वेव से, फिर देखेंगे और भी डिटेल्स देखेंगे। जैसे साउंड ट्रैवल वैक्यूम में नहीं ट्रैवल कर सकता है क्योंकि साउंड एक मैकेनिकल वेव है। विदाउट मीडियम मतलब वैक्यूम में कोई भी मीडियम नहीं, इसीलिए वो ट्रांसफर नहीं हो सकता। दैट्स ऑल, मतलब साउंड ट्रैवल वैक्यूम में नहीं ट्रांसफर होता, वैक्यूम में एयर नहीं है, कोई भी पार्टिकल नहीं, इसलिए साउंड ट्रांसफर ही नहीं हो सकता है, ठीक है? उसी तरह हम देखते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ओके, जो वेव है वाइब्रेट कर रहा है डिरेक्शन ऑफ मोशन में, उसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव किसे हम बोलते हैं, जो वेव वाइब्रेट होता है डिरेक्शन ऑफ मोशन में, उसको हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। मतलब जो डिरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है वेव और उसी के पैरेलल में अगर मूव होता है तो उससे हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ठीक है? साउंड वेव लॉन्गिट्यूडिनल वेव है क्योंकि उसका जो पार्टिकल्स, मीडियम का जो पार्टिकल्स है वाइब्रेट कर रहा है, ओके, कैसे वाइब्रेट हो रहा है, ना डिरेक्शन पैरेलल टू द डिरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ साउंड वेव। साउंड वेव जो डिरेक्शन में मूव हो रहा है उसके साथ पैरेलल है, ठीक है? और पार्टिकल्स का मीडियम जो है, ठीक है, ऑसिलेट कर रहा है टू एंड फ्रो इन द केस ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, इन द केस ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव। देन आता है हमारा ट्रांसवर्स वेव। ट्रांसवर्स वेव में क्या बोला था, जो ट्रांसवर्स वेव, दैट इज दैट, मैं समझा दिया हूँ कैसे क्या लिखेंगे हम, ठीक है, क्या लिखेंगे, मतलब देखो, ट्रांसवर्स वेव इज प्रोड्यूस व्हेन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम ऑसिलेट इन ए डिरेक्शन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द डिरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन ऑफ वेव, ओके, द पार्टिकल्स इन ए ट्रांसवर्स वेव ऑसिलेट्स इन एन अप एंड डाउन मोशन, ओके, जैसे कि लाइट वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ठीक है? सो डायग्राम में देखो और भी अच्छे से समझ में आएगा, ओके। साउंड वेव का थ्री फैक्टर्स है, जैसे कि एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, स्पीड, ऐसे उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है? कोई भी देखो, डेंसिटी वेरी करता है, प्रेशर वेरी करता है, तभी तो मूव होता है, ये सर नो, मतलब एक साउंड प्रोडक्शन हुआ, वहाँ से क्या होगा, डेंसिटी वेरी होगा, प्रेशर वेरिएशन होगा, देन आफ्टर साउंड मूव होगा, ठीक है? कैरेक्टरिस्टिक्स साउंड वेव फास्ट देखते हैं। कंप्रेशन क्या है, देखो, जो साउंड प्रोडक्शन टाइम में कंप्रेशन और रेयरफैक्शन होता है, जहाँ पर रीजन रिप्रेजेंट द अपर पार्ट ऑफ द वेव कर्व, ओके, मतलब पार्टिकल क्लस्टर टुगेदर, जहाँ पर हम साउंड मूव हो रहा है, जहाँ पर पार्टिकल क्लस्टर टुगेदर, मतलब डेंसिटी ज़्यादा है जहाँ पर, ठीक है, डेंसिटी प्रेशर जो रीजन में ज़्यादा है, दैट इज कंप्रेशन रीजन, ठीक है? मतलब जो वेव मूव हो रहा है तो एक प्लेस में क्या होगा, कंप्रेशन, मतलब क्लोज आ जाएगा पार्टिकल एक प्लेस में, मतलब दे पार्टिकल्स विल सेपरेट आउट। सो जो रीजन में पार्टिकल्स डिस्टेंस में है उसको हम रेयरफैक्शन बोलते हैं, ठीक है? रेयरफैक्शन रिप्रेजेंट बाय द लोअर पार्ट ऑफ द वेव कर्व, जो लोअर पार्ट है जनरली, ओके, जहां पर प्रेशर ऑल्सो लो होता है, डेंसिटी ऑल्सो लो होता है, क्लियर? दैट इज रेयरफैक्शन। देन आता है हमारा क्रेस्ट। क्रेस्ट क्या है, इट इज द पीक ऑफ द कर्व है, ओके। ट्रॉफ क्या है, इट इज द क्रस्ट ऑफ द कर्व है, ओके। देन आता है हमारा वेव लेंथ, ठीक है? वेव लेंथ क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव कंप्रेशन और रेयरफैक्शन। देखो, कंप्रेशन देन रेयरफैक्शन, जैसे कि हमारा लॉन्ग ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है, क्रेस्ट ट्रॉफ, क्रेस्ट ट्रॉफ। सो वेव लेंथ क्या है, क्रेस्ट क्रेस्ट के बीच में या ट्रॉफ ट्रॉफ के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम वेव लेंथ बोलते हैं।
उसी तरह अगर इफ इट इज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव, देन लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या है, देयर इज ए कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन, मतलब टू कंजिक्यूटिव कंप्रेशन या टू कंजिक्यूटिव रिफ्रैक्शन, उसके बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। तो उसका जनरली लैम्ब्डा में रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका यूनिट अगर बोलेंगे एसआई यूनिट में मीटर होगा, ठीक है। देन फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, उसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम इज इक्वल फ्रीक्वेंसी, दैट इज नंबर ऑफ कंप्रेशन प्लस द नंबर ऑफ रेयरफैक्शन पर यूनिट टाइम, ओके। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है, हर्ज है, ओके। देन आता है हमारा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या है, जो कंजिक्यूटिव कंप्रेशन में जितना टाइम लेता है उसको हम बोलते हैं, या टू कंजिक्यूटिव रेयरफैक्शन में टाइम जितना लेता है उसको हम बोलते हैं, एक फिक्स टाइम लेता है उसको हम टाइम पीरियड ऑफ द वेव बोलते हैं, ठीक है। दैट मीन्स टाइम, ऐसे भी हम बोल सकते हैं टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन और कंप्लीट फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन थ्रू ए मीडियम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या है, कि टाइम है तो उसका यूनिट भी क्या होगा, सेकेंड होगा, ठीक है। देन टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या है रिलेशन अगर लिखते हैं, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वन बाई टाइम पीरियड, ओके। देन आता है हमारा साउंड का एक कैरेक्टरिस्टिक आता है पिच, पिच किसके ऊपर डिपेंड करता है, देखो पिच डिपेंड करता है साउंड के फ्रीक्वेंसी के ऊपर, पिच डिपेंड करता है जैसे कि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, पिच डिपेंड करता है टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, वो किस टाइप का ऑब्जेक्ट है, किस टाइप का ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो पिच एम्पलीट्यूड मोर है, ठीक है, मैक्सिमम जो मीन पोजीशन से जो जितना हाई डिस्टेंस है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं, अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा उसको हम बोलेंगे लाउडर साउंड, एम्पलीट्यूड लेस होने से क्वाइटर साउंड, ठीक है। लोअर पिच हायर पिच क्या बोलेंगे, अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है देन इट विल बी हायर पिच, ओके, देन इट विल बी लेस है लोअर पिच। एम्पलीट्यूड क्या बोला मैं, एम्पलीट्यूड बोला दी मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टर्बेंस कॉज्ड इन द मीडियम इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द साउंड, ठीक है। एम्पलीट्यूड डिफाइन द साउंड इज लाउड और सॉफ्ट, क्लियर। दैट मीन्स जो मीन पोजिशन से जो हायर पोजिशन सबसे है उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। सो एम्पलीट्यूड हाई है हाई एम्पलीट्यूड लाउड साउंड बोलेंगे, लो एम्पलीट्यूड सॉफ्ट साउंड बोलेंगे। देन आता है हमारा टिम्बर, टिम्बर और क्वालिटी ऑफ साउंड उसको बोलते हैं, ये एक कैरेक्टरिस्टिक से वहाँ से हम जान सकते हैं अगर सेम पिच और या एम्पलीट्यूड है लेकिन पिच टिम्बर से हमें पता चल जाएगा अगर टू साउंड का पिच और एम्पलीट्यूड सेम है। देन आता है टोन, जो साउंड का अगर सिंगल फ्रिक्वेंसी थ्रू आउट देन उसको हम टोन बोलते हैं, नोट किसको बोलेंगे, अगर साउंड का मोर देन वन फ्रीक्वेंसी है ओके तो उसको हम नोट बोलते हैं, सिंगल फ्रीक्वेंसी होने से टोन बोलते हैं, इफ मोर देन वन फ्रीक्वेंसी है देन उसको नोट बोलते हैं। और नोट जो साउंड है इट इज प्लीजेंट टू लिसन, हमें प्लीजेंट टू सुनने में प्लीजेंट लगता है, अच्छा लगता है सुनने में, ओके। नॉइज, नॉइज इज ए अनप्लीजेंट साउंड, उसका डायग्राम उसी टाइप का होता है, ओके। देन आता है म्यूजिक, म्यूजिक विच इज प्लीजेंट एंड हैज रीच इन क्वालिटी, उसके सुनने में हमें पता है ऑब्वियसली म्यूजिक सुनने में प्लीजेंट लगता है, ये सुनो। देन आएगा हम स्पीड, ओके, जैसे कि डिस्टेंस पर यूज कंप्रेशन और रेयरफैक्शन ऑफ द ट्रैवल्स पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में जितना कंप्रेशन और रेयरफैक्शन जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उसको हम स्पीड ऑफ साउंड बोलते हैं, स्पीड ऑफ साउंड का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, उसका वी इज इक्वल टू लैम्ब्डा बाई टी, दैट इज इक्वल वेवलेंथ बाई टाइम, वी इज इक्वल टू लैम्ब्डा बाई टी और बोल सकते हैं लैम्ब्डा एफ, ओके। एंड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 333 मीटर पर सेकेंड, ओके। देन आता है हमारा क्या, इंटेंसिटी, इंटेंसिटी क्या है, अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी दैट पासेस थ्रू यूनिट एरिया पर सेकेंड इज कॉल्ड इंटेंसिटी, ओके। लाउडनेस क्या है, इट इज हाउ आर इयर्स रेस्पॉन्ड टू आवर साउंड,
टू साउंड विथ सेम इंटेंसिटी अगर है लाउडनेस में वेरी करता है, बिकॉज वी कैन रिटेट वन साउंड एट ए टाइम, हम एक साउंड रिटेट कर सकते हैं, उसके लिए हमें ईजी होता है. ओके, एंड साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता सेम स्पीड विद इन डिफरेंट मीडियम, मतलब मीडियम डिफरेंट होने से साउंड का स्पीड चेंज होगा. ठीक है, और स्पीड जो साउंड है थ्री थिंग के ऊपर डिपेंड करता है. साउंड का स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करता है? डेंसिटी ऑफ द मीडियम. ओके, सो सॉलिड में डेंसिटी ज़्यादा है, सो मैक्सिमम थ्रो सॉलिड. टेम्परेचर ऑफ द मीडियम डिपेंड करता है, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा साउंड इजीली प्रोपागेट कर सकता है. ह्यूमिडिटी ऑल्सो इफेक्ट करता है साउंड, ह्यूमिडिटी ऑल्सो इफेक्ट द ट्रैवल ऑफ साउंड. एज ह्यूमिडिटी इंक्रीज होता है सो प्रोपागेशन साउंड ऑल्सो इंक्रीज होता है. ओके, देन आता है हमारा सोनिक बूम. क्या है सोनिक बूम? देखो, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इन द एयर विथ ए स्पीड ग्रेटर देन दैट ऑफ साउंड इट प्रोड्यूसेस अ साउंड विथ हाई एनर्जी. मतलब क्या, देखो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ट्रैवल होता है एयर में, उसका जो स्पीड है हमारा साउंड स्पीड से ज्यादा है. ठीक है, तो वो जो साउंड प्रोडक्शन करता है उसका एनर्जी बहुत ज्यादा होता है. क्लियर? सो ये जो एनर्जी, ठीक है, ये इतना लाउड है ताकि एक ग्लास या बिल्डिंग को ब्रेक कर सकता है. ये सुनो, सो ये साउंड जो सिमिलर टू साउंड ऑफ एन एक्सप्लोजन या थंडर क्लब जो होता है उसके साथ भी सिमिलर है. ठीक है, सो ये ऑब्जेक्ट एग्जर्ट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन द एयर, एयर के ऊपर लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेशर एग्जर्ट होता है. ठीक है, व्हिच कॉज द प्रोडक्शन ऑफ शॉक वेव. इसी एयर में क्या होता है, शॉक वेव प्रोड्यूस होता है. क्या होता है? शॉक वेव. क्लियर? ओके, सो ये जो शॉक वेव प्रोड्यूस होता है, ये लार्ज एंड लाउड साउंड वेव है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोनिक बूम बोलते हैं. अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट एयर में क्या होता है? 3 × 10⁻¹ मीटर पर सेकेंड है, लेकिन स्पीड ऑफ साउंड क्या है? 333 मीटर पर सेकेंड. तो वहां से पता चलता है लाइट का स्पीड ज्यादा है, साउंड का स्पीड लेस है. ये सोचना, सो इसीलिए क्या हो रहा है, जो भी लाइटनिंग होता है, लाइट पहले हमें विजिबल होता है, इंस्टेंटली विजिबल होता है, और साउंड बाद में आता है. क्लियर? एंड साउंड क्या करता है, कोई भी जाके बाउंस होकर फिर लौट आता है. बाउंस ऑफ सॉलिड और या लिक्विड में जाके फिर बाउंस होता है. जैसे कि हम बोल सकते हैं सब मेटल से, वॉल से, उसको गुड रिफ्लेक्टर साउंड करते हैं, क्योंकि वो साउंड एब्जर्व नहीं करते, सो दैट तो साउंड को रिफ्लेक्ट कर देते हैं. ठीक है, और क्या है बैड रिफ्लेक्टर, मतलब अगर साउंड को एब्जर्व ज़्यादा जो ऑब्जेक्ट कर रहे हैं तो रिफ्लेक्ट लेस करेंगे. जैसे कि हम बोलते हैं स्पॉन्ज है या क्लॉथ है, वो बैड रिफ्लेक्टर है. देन आता है हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. क्या है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड? इंसिडेंट ऑफ साउंड वेव, द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन. ओके, जो एक रिफ्लेक्शन हम बोल सकते हैं कि एक जैसे कि लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, उसी टाइप का रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड होता है. इंसिडेंट ऑफ साउंड वेव, रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन. ये सेम टू सेम लाइट का है, मतलब साउंड वेव का जो इंसिडेंट हो रहा है और उसका रिफ्लेक्टेड साउंड वेव और उसका नॉर्मल एक प्लेन में रहता है. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंट साउंड वेव इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर्म बाय द रिफ्लेक्टेड साउंड वेव, दैट इज आई इज इक्वल टू आर. देन आता है इको. इको क्या है? जब भी हम व्हेन वी हियर सेम साउंड अगेन एंड अगेन, उसको हम इको बोलते हैं. ओके, एक साउंड को बार बार हमें सुनाई देता है. ठीक है, एंड इको हमारा ब्रेन में 0.1 सेकेंड तक रहता है. दिस मीन द डिफरेंस बिटवीन साउंड एंड इट्स इको शुड बी एटलीस्ट 0.1 सेकेंड. उसका डिफरेंस साउंड और इको के बीच में 0.1 सेकेंड रहना चाहिए. ठीक है, और इट इज प्रोड्यूस ए रिजल्ट ऑफ रिफ्लेक्शन साउंड थ्रू ए मीडियम. ओके, थ्रू मीडियम ये रहता है. इफ साउंड रिफ्लेक्ट्स मोर देन वंस, अगर मोर देन वंस रिफ्लेक्ट होता है, ओके, वी मे हियर मल्टीपल इको. हमको मल्टीपल को सुनाई देता है. ठीक है, देन आता है हमारा रिवर्बरेशन. ओके, रिवर्बरेशन क्या है? रिवर्बरेशन इट इज द परसिस्टेंस ऑफ साउंड आफ्टर ए साउंड इज प्रोड्यूस. साउंड प्रोड्यूस होने के बाद उसका जो परसिस्टेंस होता है उसको हम रिवर्बरेशन बोलते हैं. ये कैसे क्रिएट होता है? जो भी एक साउंड सिग्नल
रिफ्लेक्ट होता है मल्टीपल टाइम्स अंटिल इट रीचेस ए साउंड वेव दैट कैन नॉट हार्ड बाय ह्यूमन ईयर्स। ठीक है, सो उसको हम बोलते हैं क्या, रिवर्बरेशन। ओके, जैसे कि ऑडिटोरियम बिग हॉल में हम डील करना पड़ता है रिवर्बरेशन के साथ, तो इसीलिए क्या होता है, जो रूफ्स में क्या होता है, साउंड प्रूफ मटेरियल रहता है, लाइक फ्लिप बोर्ड रहता है एंड चेयर में, हॉल में जो चेयर है उसमें भी फैब्रिक में बना होता है, सो दैट वो साउंड को एब्जर्व कर सकता है, सो दैट साउंड का रिवर्बरेशन नहीं होगा, मतलब मल्टीपल रिफ्लेक्शन, बार बार रिफ्लेक्शन नहीं होगा, रिफ्लेक्टेड मल्टीपल टाइम्स नहीं होगा। ठीक है, सो हम जो साउंड डायरेक्टली डायरेक्ट आता है फिर रिफ्लेक्ट होकर आता है, इसमें प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, सुनाई नहीं देता। ठीक है, उसको हम कैसे मतलब अवॉइड करेंगे, उसके लिए क्या करते हैं, स्क्रीन में या हमारा सीट में, वॉल में साउंड प्रूफ मटेरियल जो एब्जर्व करेगा साउंड, उस टाइप पे रखते हैं। देन मल्टीपल रिफ्लेक्शन का एडवांटेजेस क्या है, जैसे कि हॉर्न्स है, ट्रम्पेस्ट है, लाउड हेलर्स, मेगाफोन्स। ठीक है, उसमें साथ जो डिजाइन किया जाता है, साउंड कैन ट्रैवल इन ए पार्टिकुलर डायरेक्शन ओनली विदाउट स्प्रेडिंग आउट एवरीवेयर, हर जगह नहीं जाएगा कि एक डिरेक्शन में जाएगा। ठीक है, इसलिए उसको यूज किया जाता है। ये क्या करता है, हमको इजी कर लगता है, इजियर लगता है ऑडियंस टू लिसन टू द स्पीकर, स्पीकर लिसन होने में इजियर लगता है। एंड ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स वर्क ऑन द फेनोमेनन ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये सभी मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के ऊपर ही काम करता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के ऊपर ही काम करता है। ओके, मल्टीपल रिफ्लेक्शन जैसे कि इन स्टेथोस्कोप ट्यूब मेक इट पॉसिबल फॉर द डॉक्टर्स टू लिसन टू पेशेंट हार्ट बीट, जैसे कि पेशेंट के हार्ट बीट सुनने के लिए हमें मल्टीपल रिफ्लेक्शन यूज होता है। फिर कॉन्सर्ट हॉल में, ठीक है, कॉन्सर्ट हॉल में जैसे कि कवर होता है, ओके, सो दैट साउंड कैन रिफ्लेक्ट थ्रू इट एंड रीच द वाइडर ऑडियंस को सुनाई देता है। ठीक है, तो रेंज ऑफ साउंड ऑन द बेसिस ऑफ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड कैटेगरी इनटू अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड। हमारा जो ऑडिटरी लेवल है, हमारा ईयर का ऑडिटरी लेवल मतलब हम सुन सकते हैं जैसे 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है, दैट इज अवर ऑडिबल रेंज, उससे नीचे हम नहीं सुन सकते। ठीक है, देन आता है हमारा अगर 20 हर्ट्ज से लेस है उसको इंफ्रासाउंड बोलते हैं, और 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होता है तो उसको हम अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। और इंफ्रासाउंड स्टेबिलाइज मायोपिया, इंफ्रासाउंड को यूज किया जाता है मायोपिया यंग किड्स में स्टेबिलाइज करने के लिए। और अल्ट्रासाउंड जो है वो दैट इज यूज टू फाइंड फ्लोजन मटेरियल, जैसे कि मटेरियल्स में कुछ प्रॉब्लम है, थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट जानने के लिए। ठीक है, फिजिकल एबनॉर्मलिटी वेरियस पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, उसको जानने के लिए। ओके, और साउंड रेंजिंग डिवाइस कॉल्ड सोनार, ऐसे जानने के लिए यूज होता है। ठीक है, और इंफ्रासाउंड जो है इन्फ्लुएंस होता है बाय द एटमॉस्फेयर, सो इट कैन बी यूज टू मॉनिटर द एक्टिविटी, जो द एटमॉस्फेयर का एक्टिविटी हम मॉनिटर कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड बाय एनी सच फैक्टर में इन्फ्लुएंस नहीं होता है। ठीक है, देन नेचुरल डिजास्टर जैसे कि वोल्केनिक इरप्शन है, अर्थक्वेक है, ठीक है, उसको हम फोरकास्टेड बाय मॉनिटरिंग इंफ्रासोनिक वेव को मॉनिटर करके यूज किया जाता है। और अल्ट्रासाउंड माइक्रो वेल्डिंग के लिए यूज होता है, और वेल्ड जो प्रोड्यूस होता है उसमें क्या होता है, हायर फ्रिक्वेंसी का जो वाइब्रेटरी एनर्जी पार्ट्स ऑफ द हेल्ड टुगेदर विद द फोर्स। और उसी टाइप का ऑडिटरी साउंड, इंफ्रासाउंड, अल्ट्रासाउंड नीचे होता है 20 से, देन इंफ्रासाउंड 20,000 से ज्यादा होने से दैट इज अल्ट्रासाउंड। हियरिंग एड में एक माइक्रोफोन है जो क्या करता है, साउंड रिसीव करता है जो आउटर एटमोस्फियर को, और इसको क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, पास होता है एम्पलीफायर, उसको एम्पलीफाई करता है साउंड को। ठीक है, फिर वो स्पीकर में मूव होता है, स्पीकर उसको फिर इलेक्ट्रिकल साउंड को देन साउंड में कन्वर्ट करता है और ईयर को कान में देता है एंड प्रोवाइड्स क्लियर हियरिंग, हमें क्लियरली सुनाई देता है। ठीक है,